आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा लगा, चलो सबको हैप्पी ईद बोल दो। हैप्पी ईद। गुड, सबको हैप्पी ईद बोल दो। हैप्पी ईद टू आपको है भी नहीं। Hello everyone, good evening, how are you all doing? So today's vlog is very special. Today is Eid special vlog and we are going to, where are we going? My husband's gonna tell. Where are we going? We're going to the Hazrat Nizamuddin Auliya's Dargah. Okay. और ये जो सामने दिख रहा है, ये पीछे ही थी दीजू। अरे बाबू यहाँ पार्किंग देखना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है, what is this? अब हम जाके देखते हैं। आई थिंक वहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं है अंदर। नहीं, अलाउड अंदर ऐसा नहीं होगा, नहीं अलाउड। देखते हैं जाके देखते हैं। और ये पेड़, ये कितना सुंदर है क्या बेटा। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और हमारा प्लान बहुत सडन बना था, इसलिए हम लोग कोई भी चुन्नी नहीं पहने हुए थे, तो हम लोगों ने रेंट पर वहाँ से चुन्नी ले ली। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर, काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप रेंट पर चुन्नी और रुमाल ले सकते हैं, और चढ़ाने के लिए फूल भी मिलते हैं। और इस तरीके से पतली सी गलियों से होते हुए दरगाह जाने का रास्ता है, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये जो दरगाह जाने का रास्ता है, इसमें आजू बाजू काफ़ी सारी शॉप्स थीं जिसमें डेकोरेटिव आइटम्स और इस तरीके का सामान जो है आप देख सकते हैं ऐसा मिल रहा था, तो वही मैं देख रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सब मिल रही थी। और मेरे साथ मेरी मम्मा और मेरा भाई और भाभी, हम सब लोग साथ में गए थे, और हस्बैंड और बच्चे। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो थी वो गुन थी, पर बाद में उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि अंदर दरगाह के अंदर जाने के लिए जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, सिर्फ बाहर से ही आप देख सकते हैं। और ये मेरे हाथों में फूलों की थाली है, और अगरबत्ती और चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद है जो हमने बाहर से लिया था। और ये देखिए मैं जा रही हूँ, और नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। और आज रमज़ान का आखिरी दिन है, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे लोग इफ्तार कर रहे हैं। पीपल आर ब्रेकिंग देयर फास्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, चलो सबको हैप्पी ईद बोल दो। हैप्पी ईद। गुड, सबको हैप्पी ईद बोल दो। हैप्पी ईद टू आपको है भी नहीं। और के अंदर फोन लगा दिए। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इतना सुकून मिला। और सच में वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी होती है, जब जहाँ जाना लिखा होता है तो हम वहाँ चले ही जाते हैं।
तो आज यहाँ आना था तो आ गए और आप लोगों के साथ भी मैंने ये सब शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तब अजान हो रही थी और शाम का समय था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रौनक थी वहाँ पर और अजान चल रही थी और सभी लोग बहुत खुश थे। तो सच में आज मुझे बहुत मज़ा आया, आशा करती हूँ आपको भी आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और अब हमने चुनिया सारी वापस कर दी एंड गुन वॉज सैड क्योंकि उसको अंदर नहीं जाने को मिला, सो शी वॉज लिटिल सैड। अब बस हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं एंड हैप्पी ईद एवरीबॉडी, एंजॉय योरसेल्फ और फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।